नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेज करण चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना के अध्याय के तहत बंगाल में दोहरा शासन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले व्याख्यानों में अपन ने बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के विभिन्न सोपानों और चरणों का अध्ययन कर लिया है। अब आज हम बंगाल में दोहरा शासन जो ब्रिटिश शासन के द्वारा स्थापित किया गया था, वो दोहरा शासन क्या था, क्या उसके मायने थे, किस प्रकार से जिनके पास उत्तरदायित्व था उनको किसी प्रकार की शक्ति प्रदान नहीं की गई और जिनके पास सभी शक्तियां मौजूद थी उनको किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, ये द्वैत शासन की व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव की बहुत सूझबूझ भरी एक व्यवस्था थी जिसने चहुं और बंगाल का शोषण ही किया और बंगाल के शासक और नवाबों को पूर्णतया शक्तिहीन कर दिया और सारी सत्ता उन्होंने अपने हाथों में समाहित कर ली। दोहरा शासन क्या था? मुगल शासन पद्धति के अंतर्गत बंगाल सूबे का शासन दो भागों में बटा हुआ था। पहला दीवानी शासन, जिसके अंतर्गत कर वसूली और दीवानी न्याय का कार्य सम्मिलित होता था, और दूसरा निजामत का कार्य, जिसके अंतर्गत शांति व्यवस्था, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा और फौजदारी न्याय के कार्य सम्मिलित किए जाते थे। जिन दिनों मुगलों की केंद्रीय सत्ता मजबूत रही, बंगाल के सूबेदारों के पास निजामत के अधिकार मौजूद थे, जबकि दीवानी शासन के लिए मुगल बादशाह अपनी तरफ से पृथक दीवान की नियुक्ति करता था। जब बंगाल का सूबेदार केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र हो गया तो उसने निजामत और दीवानी दोनों अधिकार ग्रहण कर लिए। फिर भी सैद्धांतिक तौर पर दीवानी के अधिकार वह अब भी मुगल बादशाह के नाम पर ही उपभोग करता था। इस प्रकार की ऐतिहासिक व्यवस्था मुगल काल से चली आ रही थी, परंतु मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। कंपनी ने सिसु नवाब पर एक नई संधि थोपी, जिसके अनुसार कंपनी ने 53 लाख रुपया वार्षिक के बदले में निजामत के अधिकार प्राप्त कर लिए। अब नवाब को केवल शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक सेना रखने की अनुमति प्रदान की गई। नवाब के पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं नियंत्रण का वास्तविक अधिकार भी कंपनी ने अपने पास रख लिया। नवाब द्वारा निजामत के अधिकार त्यागना वस्तुतः बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगस्त 1765 में कंपनी को मुगल बादशाह की तरफ से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो गई। यद्यपि मुगल बादशाह स्वयं इस समय दूसरों पर निर्भर था, परंतु सैद्धांतिक और वैधानिक दृष्टि से वह अब भी संपूर्ण मुगल साम्राज्य का अधिकारी था। अतः उसके आदेशों ने कंपनी के कार्यों को वैधानिकता का जामा पहना दिया। वैसे भी बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली था। इस प्रकार कंपनी को बंगाल में निजामत और दीवानी दोनों ही प्रकार के अधिकार प्राप्त हो गए। शासन के इन दो भागों को जब दो अलग अलग शक्तियों को सौंप दिया जाता है तो उसे दोहरा शासन कहा जाता है। कंपनी शासन के अंतर्गत क्लाइव ने जो व्यवस्था की वह कंपनी को वस्तुतः शासन संबंधी सभी अधिकार मिल गए, परंतु इन कार्यों को संपादित करने हेतु न उनके पास साधन थे न उनकी उसमें रुचि थी। क्लाइव कंपनी को प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से दूर रखना चाहता था। उसका ये मानना था कि कंपनी के अधिकारी बंगाल की शासन व्यवस्था की पेचीदगियों को नहीं समझ पाएंगे, अतः उसने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से
दीवानी का कार्य करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने दो नवाब नायब दीवान नियुक्त किए, एक बंगाल के लिए और दूसरा बिहार के लिए। बंगाल में मोहम्मद रजा खां को और बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया। इस प्रकार कंपनी ने अपना उत्तरदायित्व भारतीय अधिकारियों पर डाल दिया। उसे केवल अधिक से अधिक आय प्राप्त करने से ही मतलब था। निजामत का कार्य नवाब के ही हाथों में रहने दिया और उसके लिए कंपनी ने नवाब को एक निश्चित धनराशि देना शुरू किया। चूंकि सैनिक शक्ति कंपनी के हाथों में थी, अतः नवाब अपने कार्यों को निभाने के लिए कंपनी पर निर्भर था। अर्थात निजामत की सर्वोच्च शक्ति अब कंपनी के पास थी, परंतु उत्तरदायित्व नवाब का हो गया। अब चूंकि नवाब अल्पायु था, अतः उसके कामों की देखभाल के लिए नायब निजाम की नियुक्ति की गई और इस पद के लिए भी मोहम्मद रजा खां को ही चुना गया, जो बंगाल का नायब दीवान भी था। क्लाइव की इस शासन व्यवस्था को दोहरा शासन इसलिए कहते हैं कि सिद्धांत में शासन का भार कंपनी और नवाब में विभाजित था। व्यावहारिक रूप में कंपनी ने सूबों की शासन व्यवस्था को स्पष्ट अपने हाथ में नहीं लिया। वास्तविक सत्ता के होते हुए भी कंपनी ने दूर रहकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार सूबे में दो सत्ताओं की स्थापना हुई, एक भारतीय और दूसरी विदेशी। विदेशी सत्ता वास्तविक थी, जबकि भारतीय सत्ता उसकी मात्र परछाई थी। दोहरे शासन की समीक्षा जब हम करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं, परंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि इसमें कुछ अच्छाइयाँ नहीं थी। जहाँ तक कंपनी के हितों का सवाल है, दोहरे शासन में उसे कई प्रकार के फायदे थे। उदाहरण था, मौजूदा स्थिति में कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय शासन की समस्याओं का पर्याप्त अनुभव नहीं था और उनसे यह आशा करना कि रातों रात योग्य प्रशासक बन जाएंगे निरर्थक था। ऐसी स्थिति में कंपनी ने शासन का पूर्ण उत्तरदायित्व न लेकर बुद्धिमानी का परिचय दिया। दूसरा, इंग्लैंड में कंपनी को अभी भी मूलतः एक व्यापारिक कंपनी माना जाता था। यदि वह इस समय बंगाल में प्रादेशिक संप्रभुता स्वीकार कर लेती तो उससे कई प्रकार की कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती थी। तीसरे, भारत में कंपनी के अन्य प्रतिस्पर्धियों की शक्ति का अभी पूर्ण रूप से दमन नहीं हो पाया था। यदि बंगाल में कंपनी सीधे अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करती तो उनकी ईर्ष्या और भी भड़क सकती थी। चौथा, इसमें मराठे भी भड़क सकते थे और मराठों की शक्ति का सामना करने की शक्ति अभी कंपनी के पास नहीं थी। नंबर पाँच, बंगाल की जनता को अंधेरे में रखने के लिए अभी दोहरी व्यवस्था आवश्यक थी। यह व्यवस्था भारतीय जनता, कंपनी के अन्य शत्रुओं और इंग्लैंड की सरकार की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपनी को इस प्रकार की व्यवस्था रखने में अनेक प्रकार के लाभ थे, परंतु इन लाभों की अपेक्षा दोषों की संख्या भी पर्याप्त रूप से विद्यमान थी। उनमें सबसे पहला जो दोष हमें दिखाई देता है वह था, जिस प्रकार की शासन व्यवस्था कायम की गई थी उसमें कंपनी के अधिकारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। चूँकि कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम मात्रा में वेतन मिलता था, अतः वे हर तरीके से अधिक धन कमाने की ताक में रहते थे। उनका निजी व्यापार अब चरम सीमा पर पहुंच गया और उन्होंने दस्तक प्रथा का इतना अधिक दुरुपयोग किया कि भारतीय व्यापारियों को अपना पैतृक धंधा छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। क्लाइव ने इस सत्य को स्वीकार करते हुए कहा था कि कंपनी के व्यापारी एक व्यापारी की भांति व्यापार न करके संप्रभु के समान व्यवहार करते थे और उन्होंने हजारों व्यापारियों के मुंह से रोटी छीन ली थी और जो भारतीय पहले व्यापार करते थे वे अब भीख मांगने की स्थिति में पहुंच गए हैं। कंपनी के कर्मचारियों का जिस प्रकार से भाग्य उदय होने लगा, उससे प्रभावित होकर बड़े बड़े लोग कंपनी की सेवा में आने के लिए
ललायत होने लगे। भारत से धन कमाकर इंग्लैंड जाने वाले कर्मचारियों का शानो शौकत भरा जीवन देखकर इंग्लैंड के मौजूदा सामंती समाज का अस्तित्व भी डगमगाने लगा और ब्रिटेन वासियों के दिलो दिमाग में भारत में कंपनी की सेवा करने के बारे में इच्छाएं बलवती होने लगी। नंबर दो, कंपनी के कर्मचारियों को धनवान बनते देखकर कंपनी के हिस्सेदारों में भी अधिक लाभ धन प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई और 1766 में उन्होंने मांग की कि उनके डिविडेंड लाभांश को 6% से बढ़ाकर 12% किया जाए। 1767 में उनकी मांग पूरी हुई कि उनके लाभांश को बढ़ाकर 12.5% किया जाए। इस प्रकार की मनोवृत्ति ने बंगाल के आर्थिक शोषण को और तीव्र कर दिया। तीसरे, आर्थिक शोषण में इंग्लैंड की सरकार भी पीछे नहीं रही। 1767 में उसने कंपनी से 4,00,000 पाउंड की मांग की। यदि कंपनी अपने मौजूदा राजस्व संसाधनों और प्रदेशों को कायम रखना चाहती हो, इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती गई और घाटे की पूर्ति के लिए भारतीय सूबों को ही आधार बनाया गया। चौथे, दोहरे शासन का सबसे बड़ा दोष यह था कि वास्तविक सत्ता ने अपना उत्तरदायित्व संभालने से इनकार कर दिया और अपने कठपुतली को अपना उत्तरदायित्व संभलवा दिया। ऐसी शासन व्यवस्था कभी सफल नहीं हो सकती जिसमें शासन का उत्तरदायित्व उठाने वालों के हाथ में वास्तविक सत्ता न हो। इससे चारों ओर अव्यवस्था और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। कंपनी को केवल अपनी आय से मतलब था और जनता की देखभाल नवाब को सौंप दी गई, जिससे हालत और दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। पांचवा, दोहरे शासन के अंतर्गत बंगाल का व्यापार, उद्योग और कृषि का सर्वनाश हो गया। कंपनी ने अपनी शोषण नीति के द्वारा बंगाल के रेशमी और सूती वस्त्र उद्योग को चौपट कर दिया। कंपनी के अधिकारी और उनके प्रतिनिधि भारतीय जुलाहों को एक निश्चित समय में निश्चित प्रकार का कपड़ा तैयार करने के लिए विवश करने लगे और फिर अपनी इच्छा अनुसार काफ़ी कम मूल्य चुकाते थे। आनाकानी करने वाले जुलाहों के अंगूठे काट दिए जाते थे। परिणाम स्वरूप सैकड़ों परिवार जो वस्त्र उद्योग में लगे हुए थे वे बंगाल छोड़कर भाग गए। यही स्थिति अन्य उद्योगों के कारीगर और मजदूर वर्ग की हुई। कृषि का भी यही हाल हुआ। भूमि कर वसूली का कार्य अधिक से अधिक लगान की बोली लगाने वाले ठेकेदारों को दिया जाने लगा। ये ठेकेदार किसानों से अधिक लगान वसूली करने का जी तोड़ प्रयास करते थे क्योंकि उन्हें अपने लिए मुनाफा भी कमाना होता था और फिर इस बात की गारंटी नहीं थी कि अगले वर्ष उन्हें मौजूदा क्षेत्रों से राजस्व वसूली का काम फिर मिल जाएगा। अतः ठेकेदारों और किसानों में किसी प्रकार का स्थायी संबंध विकसित नहीं हो पाया। डॉक्टर MS जैन ने आंकड़े देकर इस बात को प्रमाणित किया कि जहां दीवानी प्राप्त किए जाने के पूर्व बंगाल बिहार से भू राजस्व के नाम पर 80,00,000 रुपयों की वसूली होती थी, वहीं 1766-67 में यह वसूली मात्र वही यह वसूली 2,24,66,000 रुपये की वसूली की गई। स्पष्ट है इससे किसानों की कमर टूट गई। क्योंकि कंपनी और ठेकेदारों की भूमि की उन्नति और कृषि सुधारों में किसी प्रकार की रुचि नहीं थी, अतः कृषि और किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। हजारों किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया और वे भागकर बड़े शहरों में मजदूरी के लिए चले गए। फलस्वरूप खेती के योग्य भूमि बेकार हो गई और वहाँ जंगल विकसित होने लगे। 1770 के आसपास संपूर्ण बंगाल भयंकर अकाल की चपेट में फंस गया और एक तिहाई आबादी रत्नाई पशुधन नष्ट हो गया। उपयुक्त व्यवस्था के परिणाम स्वरूप कंपनी के कर्मचारी लगातार धनवान होते चले गए, परंतु स्वयं कंपनी की स्थिति शोचनीय होती गई। उनकी आय काफ़ी घट गई और वह दिवालिया की स्थिति में पहुंच गई। इंग्लैंड की संसद में बोलते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस मत में विश्वास करता हूं कि विश्व में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितनी कि भारत में कंपनी की सरकार थी।
मुर्शिदाबाद के अंग्रेज रेजिडेंट ने 1769 में लिखा, यह देश जो कि अत्यधिक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासकों के अंतर्गत भी फलता फूलता रहता था, आज विनाश की कगार पर है। यही कारण है कि 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर भेजा गया तो उसने दोहरे शासन की व्यवस्था को आते ही समाप्त करने का आदेश प्रदान किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोहरे शासन की व्यवस्था ने बंगाल की आर्थिक समृद्धता को नष्ट प्राय कर दिया, और न केवल आर्थिक समृद्धता को नष्ट किया बल्कि इससे कंपनी की आर्थिक दशा भी लगातार खराब होती चली गई। तो ये विचारणीय बात थी कि ये अधिकाधिक मात्रा में जो दोहन हुआ वो गया किसके पास। आसान सा उत्तर हमारे सामने है कि अधिकाधिक दोहन जो हुआ वह कंपनी कर्मचारियों के व्यक्तिगत खजानों व्यक्तिगत जेब में गया, और वो अधिकाधिक धनवान बनते चले गए, और उन्होंने इंग्लैंड में जाकर पहले से धनी लोगों या सामंत लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गए। इस प्रकार क्लाइव ने जो व्यवस्था स्थापित की वह व्यवस्था अपनी खुद की व्यवस्था के लिए तो ठीक थी, लेकिन वास्तव में उसकी इस व्यवस्था ने एक भरे पूरे समृद्ध प्रांत को नष्ट कर दिया। यद्यपि क्लाइव कंपनी का एक विश्वस्त कर्मचारी था और उसने जो भी कार्य किए वो क्लाइव वो उसने कंपनी की सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए किए, और उसने अपनी सैनिक योजनाओं के बलबूते पर कंपनी को इतनी बड़ी विजय दिलवाई कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस प्रकार उसने अपने प्रथम गवर्नरी काल में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, और दूसरी गवर्नरी काल में एक चतुर और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ की तरह उस नींव को मजबूत बनाया। उसने तत्काल दिखाई देने वाले प्रलोभनों में न फंसकर उचित अवसर की प्रतीक्षा की, और मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ किए गए समझौते उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बंगाल बिहार और उड़ीसा में पूर्ण सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद भी प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व न संभालना उसकी विलक्षण कूटनीतिक प्रतिभा का प्रमाण है। यद्यपि क्लाइव में कई दोष विद्यमान थे, वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को ही प्राथमिकता देता था, साधनों के औचित्य को नहीं। उसमें नैतिकता का पूर्ण अभाव था। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अमी चंद इत्यादि के विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र इस बातों के प्रमाण हैं। लेकिन चूंकि वह कंपनी का सेवक था, अतः उसने अपनी कंपनी के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति के तौर पर भली भांति कार्य किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज अपने इस अध्याय के तहत अपना ये बिंदु भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, विशेषकर बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना और कंपनी के शासन का अध्याय यहाँ पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।